हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक टी गार्डन का पेंटिंग बना के दिखाऊंगा। तो गैस, पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं आज की इस वीडियो में जो लाइक का टारगेट रखता हूँ वो रखता हूँ सिर्फ 1K लाइक्स, यानी कि 1000 लाइक्स। तो इसीलिए प्लीज़ गैस इस वीडियो में 1000 लाइक्स कम्प्लीट कर देना, और अगर कम्प्लीट हो भी गया है तब भी इस वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में एक कमेंट भी कर देना। और अगर आपको कुछ भी कमेंट करने का नहीं है फिर भी आप एक रेड हार्ट कमेंट कर देना। तो गैस, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि सबसे पहले तो मैंने एक स्केच कर लिया था। आप स्केच करने के बाद जहाँ पे स्काई होगा उसी जगह पे मैं स्काई का कलर अभी कर रहा हूँ। तो ये जो स्काई है ये इवनिंग टाइम का स्काई है, मतलब सनसेट टाइम का स्काई है। तो इसीलिए स्काई का कलर में मैं येलो कलर, वाइट कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, ये सब कलर में मिला रहा हूँ। क्योंकि गैस इवनिंग टाइम का जो स्काई होता है वो बहुत ही कलरफुल होता है, इवनिंग टाइम और मॉर्निंग टाइम, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो उसके बाद देखिए, जब हमारा स्काई पेंटिंग लगभग कंप्लीट हो गया है, उसके बाद दूर का जो माउंटेंस है यानी कि बर्फीला माउंटेंस, तो उसी माउंटेंस को देखिए मैं पेंट कर रहा हूँ। ये सबसे बेसिक कलर है। अच्छा, ये जो कलर है ना, ये मैंने कैसे बना लिया है पता है? ये पिंक कलर के साथ मैं थोड़ा सा ब्लू कलर मिला लिया है। तो उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा पर्पल टाइप का कलर हो गया है। तो इसी पर्पल कलर से मैं ये जो माउंटेन्स है इसका सबसे बेसिक कलर में दे दिया हूँ। अब उसके बाद इस माउंटेन को हाईलाइट करूँगा वाइट कलर से। तो गैस ये देखिए, ये मैंने अभी हाईलाइट कर रहा हूँ वाइट कलर से। अच्छा, ये जो एकदम वाइट कलर नहीं है, ये थोड़ा सा इसके अंदर ये जो मैंने पर्पल कलर किया था जो माउंटेन्स के लिए, उसी पर्पल कलर को मैंने थोड़ा सा मिला दिया है ताकि ये वाइट कलर थोड़ा सा डीप हो जाए। इसके बाद जो मैं हाईलाइट करूँगा वो करूँगा एकदम प्योर वाइट कलर से, ठीक है? मतलब वो बहुत ही ग्लो करेगा। अब जिस साइड पे माउंटेन का शेडो पड़ रहा है उस साइड पे मैं थोड़ा सा डार्क कलर, यानी कि डार्क जो पर्पल कलर है उसका यूज़ करूँगा। और उस साइड पे देखिए मैं डार्क कर दिया हूँ। तो अभी देखिए जो माउंटेन्स है, जिस साइड से लाइट आ रही है ना उस साइड पर बहुत ही ग्लो कर रहा है, और जिस साइड पर लाइट नहीं आ रही है उस साइड पे डार्क हो गया है, ठीक है? तो इसीलिए कोई भी पेंटिंग आप जब बनाएंगे तब ये डार्क और लाइट इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब जो मैं पेंटिंग कर रहा हूँ वो है दूर का घास का मैदान। तो गैस ये जो घास का मैदान है ना, सबसे पहले तो मैंने ग्रीन कलर दे दिया है थोड़ा सा लाइट करके, और नीचे की ओर थोड़ा सा डीप कर दिया था। अब ऊपर की तरफ मैं येलो मिला के, मतलब ग्रीन के साथ येलो मिला के ऊपर की तरफ मैंने हाईलाइट कर दिया है, मतलब कि वहाँ पर दूर से ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर बहुत ही ग्लो कर रहा है दूर का चीज़। अब उसके बाद दूसरा जो पहाड़ है उसका देखिए मैं घास को पेंट कर रहा हूँ। एक्चुअली दूर से घास जैसा लग रहा है लेकिन मैं इधर दिखा रहा हूँ कि ये टी गार्डन है, ठीक है? तो ये देखिए मैंने फ्लोरेसेंट जो ग्रीन कलर है उससे मैंने ये जो घास है इस घास को हाईलाइट कर दिया है। अभी मैं तीसरा जो पहाड़ है उसको मैं पेंट कर रहा हूँ। तो देखिए ये है डीप ग्रीन कलर। तो इस पहाड़ को सबसे पहले मैं डीप ग्रीन कलर से पूरा कवर कर दूंगा, और उसके बाद जो लाइट ग्रीन कलर है मतलब इसी डीप ग्रीन के साथ मैं थोड़ा सा येलो कलर मिलाऊँगा। ये फ्लोरेसेंट ग्रीन नहीं, ये डायरेक्ट जो डीप ग्रीन कलर है उसके साथ मैं थोड़ा सा येलो कलर मिला दूंगा। तो ये जो ग्रीन कलर है ना, ये ग्रीन कलर, ये जो फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर है उससे थोड़ा सा अलग है। जो फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर है वो बहुत ही अच्छा ग्रीन है, लेकिन ये जो ग्रीन कलर है जो मैंने डीप ग्रीन के साथ मिलाया येलो, ये भी अच्छा है लेकिन ये अलग किस्म का ग्रीन कलर है, ठीक है? तो उसी ग्रीन कलर से और थोड़ा सा जो ऑरेंज कलर ले लिया था उसकी मदद से उस पहाड़ को मैंने हाईलाइट कर दिया था। तो उस पहाड़ को देख के अभी ऐसा लग रहा है कि मानो उस पहाड़ में बहुत सारा फ्लावर्स खिला हुआ है, ठीक है? तो अब चलते हैं हमारा जो मेन टी गार्डन है उस तरफ। तो देखिए, जैसे कि मैंने सभी पहाड़ को जैसे पेंट किया, पहले डीप ग्रीन कलर देकर उसके बाद थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया, लेकिन अभी क्योंकि ये जो पहाड़ है ये टी गार्डन है इसीलिए
टी का जो पत्ती है, मतलब चाय का जो पत्ती है, उसको हमें कुछ क्लियरली दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो पास की तरफ जो पत्ती है उसको देखिए, मैंने एक एक करके ब्रश की मदद से एक एक करके जो पत्ती है उसको मैं पेंट कर रहा हूँ। तो ये भी वही ग्रीन है जो डीप ग्रीन के साथ मैंने येलो कलर मिलाया, ये वही ग्रीन कलर है। तो उसी ग्रीन कलर से मैंने धीरे धीरे जितना भी चाय का पत्ती है, मतलब जो पास है, उसको मैंने एक एक करके पत्ती को पेंट कर दिया। तो देखिए अभी हमारा जो टी गार्डन है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। अब टी गार्डन में एक वोमन है जो चाय का पत्ती ले रहा है, ठीक है, जो टी गार्डन में काम करते हैं। ऐसा हमने बहुत बार देखा है जब हम कोई चाय के बगान में गए हैं। पता नहीं आप लोग गए कि नहीं, लेकिन मैं बहुत बार गया हूँ और मुझे ये सीन बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई टी गार्डन में जो वर्कर्स है वो काम करते हैं, चाय का पत्ती उठाता है, तो वो जो नज़ारा है ना देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और पर्सनली मुझे माउंटेंस तो बहुत ही पसंद है, मैं बहुत ही ज़्यादा माउंटेंस जाता हूँ। तो वो खैर मैं अलग टॉपिक पे चला गया। तो जो भी हो, ये जो वर्कर्स है जो चाय का पत्ती ले रहा है, इसको मैंने बहुत बार देखा है, तो इसीलिए ये भी मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा था कि ऐसे एक पेंटिंग बनाएंगे, तो उसी पेंटिंग में आज बना रहा हूँ। तो ये जो वर्कर्स है जो चाय का पत्ती ले रहा है, इसको मैं सिर्फ एक ही पेंटिंग करूँगा और दूर एक दो और पेंटिंग करूँगा जो कि डिटेल में नहीं है, मतलब इतना डिटेल में नहीं है, मतलब उसको ऐसे पेंटिंग करूँगा कि जैसे कि दूर से आपको लग रहा है कि हाँ वहाँ पर कुछ वर्कर्स टी गार्डन में काम कर रहा है, लेकिन वो उतना क्लियर नहीं है, मतलब दूर का चीज़ जैसे लगता है, वैसा पेंटिंग करूँगा, ठीक है। और ये जो वोमन है जो वर्कर है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में करूँगा। और वैसे भी तो ये जो कलर है जो जिस कलर से मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, इस कलर से इतना भी डिटेल में कोई भी फेस पेंटिंग करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये कलर अच्छा नहीं है। ये जो कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ये बहुत ही सस्ता सा एक कलर है जो कि एक तरह का पाउडर कलर है। अगर आप लोग भी इस कलर के बारे में जानना चाहते हो, वैसे ऑलरेडी जो लोग जानते हो उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग अभी तक नहीं जानते हो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने इस कलर के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके एक बार चेक कीजिए, पढ़िए मैंने वहाँ पर क्या लिखा है। वहाँ पर इस कलर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है, और वैसे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है इस कलर के ऊपर, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, तो आपको भी मेरे इस कलर के बारे में पूरा नॉलेज पता चल जाएगा कि मैं कौन सा कलर यूज़ कर रहा हूँ और ये किस तरह का पेंटिंग बोर्ड है, क्या ये कैनवास है या क्या दूसरा कोई चीज़, तो ये सब भी आपको पता चल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको बहुत सारा लिंक मिल जाएगा, जैसे कि मेरा ब्लॉग चैनल का लिंक। मैं अपने ब्लॉग चैनल पर ये जो पेंटिंग में करता हूँ इसका बिहाइंड सीन क्या क्या होता है, कैसे मैं पेंटिंग बनाता हूँ, पेंटिंग के बीच बीच में मैं क्या करता हूँ, ये सब कुछ मैं अपने उस ब्लॉग चैनल पर दिखाता हूँ। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है जानने का मैं पेंटिंग में कैसे कैसे बनाता हूँ, उसके बीच में क्या करता हूँ, ठीक है, तो ये पूरा हिस्ट्री अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको मेरा उस ब्लॉग चैनल पर एक बार विजिट करना चाहिए। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग्स बहुत ही पसंद भी आएगा। तो देखिए मेरा जो टी गार्डन है उसका जो वोमन है वो पेंटिंग करना कंप्लीट हो गया है, मतलब पीछे आप देख रहे हैं कि जो वोमन है वो चाय का पत्ती ले रहा है, वो मैंने उतना क्लियर पेंटिंग नहीं किया है क्योंकि वो दूर का चीज़ है, तो इसीलिए वो सब कंप्लीट हो गया है। अभी एक ही चीज़ रहेगा है, वो है टी गार्डन में कुछ पेड़ भी होता है बीच बीच में, तो वही दो चार पेड़ इधर पेंट करना होगा। तो इधर दो तरह का पेड़ होगा, एक तो दूर का पेड़ होगा और एक है पास वाला पेड़। तो ये जो दो तीन पेड़ है ये थोड़ा दूर का पेड़ है, और उसके बाद एकदम पास वाला एक पेड़ में पेंट करूँगा, ठीक है। तो ये है पेड़ का शैडो, मतलब सूरज का किरण पेड़ के अपोजिट साइड में पड़ रहा है, इसीलिए इस तरफ पेड़ का शैडो हो रहा है। तो ये हो गया दूर का पेड़, अभी हम पेंट करेंगे पास का पेड़, मतलब थोड़ा सा नज़दीक का पेड़। तो ये देखिए, ये मैंने ब्लैक कलर से पेड़ का जो मेन ब्रांच है उसको मैं पेंट कर रहा हूँ, और उसके बाद डीप ग्रीन कलर, उसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक कलर मिला लिया है, उस कलर से देखिए पेड़ का जो पत्तियाँ है उसको मैं पेंट कर रहा हूँ। तो अगर सबसे बेसिक कलर ये है, इसके बाद आप धीरे धीरे पेड़ को हाइलाइट करेंगे, थोड़ा सा ग्रीन कलर डीप ग्रीन, उसके बाद थोड़ा सा लाइट, उसके बाद और थोड़ा सा लाइट,
और उसके बाद एकदम लाइट जहाँ पे सूरज का रोशनी पड़ रहा है उस तरफ, जो सबसे लाइट ग्रीन कलर है उस कलर से थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देना होगा, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा हो गया ना तो अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। तो ये देखिए, जो सबसे ज़्यादा लाइट कलर है उसको मैंने इस तरफ कर दिया है। सो गाइस, अब हमारा पेड़ का जो पत्तियाँ है वो लगभग पेंटिंग करना हो गया है। हमारा पेंटिंग भी अब लगभग ख़त्म हो चुकी है और पेड़ को और थोड़ा सा फिनिशिंग करेंगे, उसके बाद हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा वाइट कलर से इस पेड़ को भी मैंने हाईलाइट कर दिया जिस साइड पे सूरज की रोशनी पड़ रहा है। ओके, तो अब देखिए हमारा जो पेंटिंग है वो कंप्लीट हो गया। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप सबको आज की ये वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। मैंने जो 1000 लाइक्स का जो टारगेट रखा है उसको प्लीज़ कंप्लीट कर देना। एंड मेरा जो ब्लॉग चैनल है उसको ज़रूर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते आपसे अगली वीडियो में।